डियर बच्चों, मारवाड़ी महाविद्यालय रांची कॉमर्स डिपार्टमेंट इंटरमीडिएट सेक्शन, आप सबों का आज के क्लास में स्वागत है। बच्चों, कल मैंने आप लोगों को बताया था ब्रांड के बारे में, और ब्रांड के संदर्भ में परिभाषित किया था ब्रांड को, महत्व और उसके लाभ बताए और उनकी विशेषताएं भी बताई थी आपको। उसके आगे आज हम लोग उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे पैकेजिंग। आजकल पैकेजिंग का बहुत ही ज्यादा महत्व है इस भौतिकतावाद युग में। पैकेजिंग एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, इसी कारण उपभोक्ताओं को बाजार में वस्तुएं और कागज के डिब्बों, सुंदर आकार की शीशियों तथा टीन या प्लास्टिक के डब्बों में पैक की हुई मिलती है, या उसमें आप देखिएगा कि कागज का ही एक थैला बना होता है, या कभी कभी कपड़े के थैले बने होते हैं। तो उन पर सुंदर और आकर्षक लेविंग रंग बिरंगे रंगों में लगे रहते हैं, तथा उन डिब्बों के अंदर एक एक छपा हुआ कागज भी साधारणतः रखा रहता है, जिस पर उत्पाद के प्रयोग करने की विधि लिखी रहती है, तथा यह भी लिखा रहता है कि उत्पाद या अमुख उत्पाद किन किन चीजों में काम आता है या सहायक होता है। यह सभी उत्पाद नियोजन के अंग हैं। पैकेजिंग का अर्थ यह है आमतौर पर कि भिन्न भिन्न विद्वानों ने इसे अलग अलग ढंग से अपने में कहा है। प्रोफेसर विलियम ने कहा है कि पैकेजिंग को उत्पाद नियोजन की उन सामान्य क्रियाओं को के समूह की तरह परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें किसी उत्पाद के लिए लपेटने या आधान पत्र का उत्पादन करने और उनका डिजाइन बनाने में संबंधित होता है। प्रोफेसर आर एस डावर के शब्दों में, पैकेजिंग वह कला और विज्ञान है जो एक उत्पाद को किसी आधान पत्र में बंद करने या आधान पत्र को उत्पादन के समवेष्टन के उपयुक्त बनाते हुए सामग्रियों, ढंगों और साज सज्जा के विकास एवं प्रयोग से संबंधित है, जिससे उत्पाद वितरण की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते समय पूर्ण रूप से सुरक्षित हो या रहें। आधान पत्र व लपेटने वाले सामान का उपयोग पैकेजिंग है, जिसे लेबल लगाना व सजाना भी शामिल है, जिससे उत्पाद सुरक्षित रहे, उनकी बिक्री करने में सहायता मिले, तथा उस उत्पाद को उपभोक्ताओं के द्वारा काम में लाने योग्य बनाया जा सके। अतः यह स्पष्ट होता है, या हम कह सकते हैं आम भाषा में, कि पैकेजिंग में आधान पत्र व लपेटने वाले सामान ही नहीं, बल्कि उनका निर्माण भी कर किया जाता है। इन दोनों बातों के अतिरिक्त इसमें लेबल लगाना, आधान पत्र की डिजाइन तैयार करना और उनको सजाना भी शामिल होता है। इस प्रकार
पैकेजिंग उत्पाद नियोजन से संबंधित कला एवं विज्ञान है। यह उत्पाद के सुरक्षित एवं उपयोग हेतु आधान पत्र व लपेटने के समान बनाने एवं उत्पादों को इस आधान पत्र में रखने या लपेटने के लिए बनाया जाता है या उसका उपयोग किया जाता है। पैकेजिंग के तमाम परिभाषाओं को देखते हुए इसके कई प्रकार के लाभ होते हैं जो निम्नलिखित हैं, यानी एडवांटेजेस ऑफ पैकेजिंग। जैसे निर्माताओं को लाभ पहुंचाना, जिसके अंतर्गत सुरक्षा, मिलावट में रुकावट, विक्रय संवर्धन सुविधा, ख्याति वृद्धि आदि आते हैं। दूसरा है मध्यस्थों के लाभ, मध्यस्थों को लाभ पहुंचाया जाना, यानी भंडार में सुविधा, मार्ग में सुविधा, ग्राहकों को दिखाने में आसानी, विज्ञापन में सुविधा आदि। तीसरा है उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना, यानी लाने में सुविधा, मिलावट की संभावनाएं कम और सलाह पूर्ण रूप से दिया जाना, यह उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने की क्रिया है। पैकेजिंग के लाभ यानी एडवांटेजेस ऑफ पैकेजिंग के अंतर्गत यही बातें आती हैं। इसके कई प्रमुख कार्य हैं पैकेजिंग के। फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, इसमें सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन आता है। दूसरा है सुविधा यानी कन्वेंसियंस और परिचय यानी आइडेंटिफिकेशंस और भंडार यानी स्टोरेज और विज्ञापन यानी एडवर्टाइजिंग एंड लाभ की संभावनाएं प्रॉफिट पॉसिबिलिटीज का होना। पैकेजिंग के इन तमाम बातों को देखते हुए इसके इंपॉर्टेंस ऑफ माने पैकेजिंग का महत्व भी है जो बहुत अत्यधिक है, इसलिए पैकेजिंग का महत्व जन साधारण की आय में एवं उसके रहन सहन में वृद्धि करना होता है, उसकी स्वच्छता की आकांक्षा में वृद्धि किया जाना होता है और कई भी अनेक कारणों से इसकी काफी महत्व पाई जाती है। तो पैकेजिंग के संदर्भ में आज हम लोगों ने जो जाना वो ये सारी बातें हैं। इसको आप लोग नोट कीजिए फेयर कॉपी में और पुस्तक निकाल करके इसका अवलोकन कीजिए, देखिए कि क्या आपने सही पढ़ा और क्या गलत पढ़ा। और यदि कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं कोई बातें आपको समझ में ना आ रही हो तो फिर मुझसे पूछने का प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से मैं उसे आप लोगों को दोबारा बताऊंगा। और आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनी माँ बाप की सेवा करें और पढ़ाई पर ध्यान दें ताकि आने वाला परीक्षा का समय में आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो। आज बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।